हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। असंभव को संभव बदल देने वाला प्रेमी परमेश्वर मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम एक बार फिर से प्रभु आपके प्रिय पुत्र जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में हम तेरे निकट में आते हैं प्रभु जी, और विशेष कर प्रेयर करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर शाम के बेला में उन सभी भाई बहनों को, उन सभी बेटा बेटियों को आपने अवसर और मौका दिया परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं की राजा, राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु जी धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस 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 यस। चंगा करने वाला परमेश्वर, बचाने वाला परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आज की सुंदर मेरे प्रभु शाम के बेला में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज प्रार करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करो प्रभु से, मांगो प्रभु के सम्मुख में, गिड़गड़ाओ प्रभु के सम्मुख में, रो पश्चाताप करो। आज मेरे प्रिय जनों जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, उस परिस्थिति से प्रभु से आज अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में, अपने परिवार को प्रभु के सम्मुख में, अपने आज पूरे जीवन को समर्पण के साथ, आत्म और सच्चाई के साथ, जितने लोग गहराई के साथ आज प्रार्थना करेंगे उसके जीवन को परमेश्वर बदल देगा, बदल देगा। यस यस यस। री बा बा बा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रेयर, प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। मसीह यीशु दया कर, मसीह यीशु दया कर। छूले प्रभु, छूले प्रभु। आज हर एक बेटा बेटियों की जिंदगी को, आज हर एक बेटा बेटी परिवारों को, विशेष कर मेरे प्रभु जी आज वो हर समस्या, आज हर मुसीबत, आज मसीह यीशु के नाम से आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दूर हटाने चाह रहा है। मेरे प्रिय जनों घबराओ नहीं, विश्वास करो, घबराओ नहीं, विश्वास करो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। आज उस परमेश्वर से जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा, आज वो जो आज जो व्यक्ति परमेश्वर से मांगेगा, आज जो व्यक्ति प्रभु के सम्मुख अपने सारे समस्याओं को, अपने सारे ओ चिंताओं को, अपने सारे दुखों को प्रभु के सम्मुख में रखेगा, ओ मेरा खुदा आज आपसे बात करेगा, ओ मेरा प्रभु आज आपसे बात करेगा, मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। डरो नहीं, घबराओ नहीं, आज निश्चिंत होकर प्रभु से मांगो, आज निश्चिंत होकर प्रभु से प्रार्थना करो। मैं चाहता हूँ कि आज हर एक बेटा बेटी, ओ मैं चाहता हूँ कि आज हर एक भाई बहन, लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, ओ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता के वचन की सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन को प्रभु कंट्रोल कर पिता, ओ उनके जीवन को प्रभु तू कंट्रोल कर पिता, उनके परिवार प्रभु जो भी अंधकार की शक्तियां है, ओ मसीह यीशु तेरे नाम से प्रभु दूर हटने पाए पिता। ओ सभी भाई बहन प्रभु, सभी बेटा बेटी प्रभु तेरे आज और डर के साथ, समर्पण के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो और भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना में, विश्वास में, संगति में, हर चीज में प्रभु जी वो बढ़ने पाए पिता। विशेष कर जिसकी भी घर में समस्या है, वो कई प्रकार की वो समस्या से वो जूझ रहे पिता, समस्या को लेकर बहुत परेशान है मेरे प्रभु जी, वो नाना प्रकार की समस्याओं का प्रभु जी आज वो बड़े बड़े, ओ प्रभु जी आज वो बड़े बड़े समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हे मेरे खुदा सृष्टिकर्ता सृजनहार प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा आज हम जीवित उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हर एक घुटना, हर एक मसीह यीशु के नाम से टिकेगा, आज ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन मेरे महान परमेश्वर, परमेश्वर पिता के वचन के सामर्थ्य के द्वारा हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक अंधकार के जलते तीड़ों को आज हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं। ओ हम आज इसी वक्त जलाकर राख करते हैं। परमेश्वर की बेटी है वो, परमेश्वर का जन है। आज कोई भी बेटा बेटी आज डरो नहीं, घबराओ नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर के कहना मानो, मेरे परमेश्वर के कहना मानो। आज परमेश्वर के कहना और बताए हुए रास्ता पर चलोगे तो मेरे प्रियजनों आज यीशु आपको उठाएगा, यीशु परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, ओ परमेश्वर आज आपके हर परिस्थिति को बदल देगा। मैं विश्वास करता हूँ ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन आज उस परमेश्वर के सम्मुख में हम जब मांगेंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रिय जिंदा खुदावन आज आपके सारे कष्टों को, आज आपके सारे मुसीबतों को पिता के आज एक एक सामर्थ्य के द्वारा, एक एक आज वचनों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ गारंटी के साथ। आज मेरे प्रिय परमेश्वर कह रहा है कि आपकी जिंदगी से वो सारे दुख और कष्ट, मुसीबत, परेशानी आज दूर हट जाएगा, समस्या मेरे प्रिय
आपके जीवन में रहेगा भी तो वो समस्या आज मेरे प्रभु छोड़कर जाएगा बाहर यीशु मसीह के नाम से। ओ आज गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आज अधिकार के साथ बोलो, अधिकार के साथ मांगो, एक अधिकार के साथ अपने बेटा और बेटी कहलाते हैं आज मेरे प्रभु, तो उसी अधिकार के साथ आज प्रभु के सम्मुख में आज वो सारे प्रार्थनाओं को रखो। क्योंकि हम जब कभी भी समस्या में पड़ते हैं, जब हम कभी भी मुसीबत में रहते हैं, तो मेरे प्रभु हम कई बार क्या होता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हम जो है डर डर के जीवन को जीते हैं। लेकिन मेरा खुदा आज आपसे कह रहा है कि आज आपको जो है निज बेटा और निज बेटी बन के अधिकार के साथ उस मेरे प्रिय प्रार्थना में आप संगति बिता करके आज हर समस्या के और समाधान के लिए उस पिता से हमको मांगना है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु से मांगता है, जो व्यक्ति प्रभु के सम्मुख में आज प्रार्थना करता है, उसके हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। आज मेरे प्रिय समस्या आज मेरे प्रिय आपके जीवन से मेरे प्रिय दूर हो जाएगा। चिंता मत करो, आज कोई भी समस्या आपके जीवन से हर उस मुसीबत को परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रिय बीमारी का समस्या हो, चाहे कर्ज का समस्या हो, आज मेरे प्रिय व्यापार का समस्या हो, चाहे मेरे प्रिय आपके घर में किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़ा को लेकर वो समस्या हो, आपके घर में बच्चों के लेकर ऐसी कोई समस्या है, तो मेरा खुदा आज आपसे कह रहा है कि बेटा चिंता मत कर, आपके सारे दुखों को, सारी मुसीबतों को परमेश्वर हटाने वाला है। ओ आज आपके सारे मुसीबतों को हटाने वाला है मसीह यीशु, आपके जीवन में काम करने वाला है। ओ पिता परमेश्वर आज आपके जीवन को काम करेगा। हालेलुया हालेलुया, पवित्र परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी। ओ सारे सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जीवित उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बेटा बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज अंधकार के सारे शक्तियों को, ओ अंधकार के सारे युक्ति योजनाओं को हम आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त हम जलाकर राख करते हैं प्रभु जी। ओ री बा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा टच कर पिता, हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक अंधकार की शक्तियों को मेरे प्रभु महान परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम इसी वक्त जलाकर राख करते हैं प्रभु जी। ओ ताकि हर एक अंधकार की शक्तियां यीशु तेरे वचन के सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त जलकर राख हो जाने पाए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपने पिता उन हर एक जन के परिवारों से, हर एक जन के घरों से आपने बोला, बातचीत किया और उनके घर से हर समस्या को, हर मुसीबतों को प्रभु आपने दूर कर दिया प्रभु, उन कष्टों को हटा दिया पिता, उन मुसीबतों को हटा दिया प्रभु जी। वो नाना प्रकार की बीमारी का बंधन से, नाना प्रकार के समस्याओं से वो जूझ रहे थे, लेकिन आज के शाम के भेला में ये प्रार्थना को सुनते ही, ये प्रेयर को सुनते ही मसीह यीशु के नाम से उनके जीवन से सारे प्रभु जी अंधकार की शक्तियां मिटने पाए। ओ अंधकार की शक्तियां मिटने पाए, ओ बुरे ताकत, बुरी योजना शक्तियों को आज आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा हम चलाकर राख करते हैं प्यारे परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन मेरे प्रभु परमेश्वर आज आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा उनकी जिंदगियों को प्रभु तेरे कंट्रोल में देते हैं, हम तेरे नियंत्रण में देते हैं प्रभु। आज होने दे पिता, तू बदल दे पिता, छू ले प्रभु, टच कर एक एक बेटा बेटियों के जीवन को, आज हम तेरे कंट्रोल में, नियंत्रण में देते हैं प्रभु, कि आज वो सचमुच में जहां भी जाए, जिस भी परिस्थिति में जाए, मसीह यीशु तेरा प्रकाश, मसीह यीशु तेरा आज वो प्रभु जी प्रकाश चमकने पाए, क्योंकि वायदों का पक्का परमेश्वर, वायदों का सच्चा खुदा तू है मेरे प्रभु जी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर तू है, बचाने वाला परमेश्वर तू है, असंभव को संभव में बदल देने वाला परमेश्वर तू है। हे प्रभु यीशु दया कर, हे प्रभु यीशु दया कर, हे प्रभु यीशु दया कर, प्रभु छू ले पिता, टच कर, टच कर, टच कर हर एक सारे बेटा बेटी जो जितने प्रभु तेरे कहना मानते हैं, जितने तेरे डर में जीवन जीते हैं, सबके प्रभु तू आज समस्या को दूर करना, सबके प्रभु आज प्रार्थना को उत्तर देना, सबके प्रभु आज दुख को दूर करना, सबके प्रभु मुसीबत को दूर करना, चाहे वो पैसे की कमी घटी हो, चाहे वो नौकरी में जो है किसी प्रकार की कोई रुकावट और बाधा समस्या अगर आ रहा है, तो प्रभु से प्रेयर करो, आज वो आपके जीवन से परमेश्वर बोलेंगे और बातचीत करेंगे। मेरा खुदा आपके साथ में है, ओ मेरा प्रभु आज आपके साथ में है, और वो सारी समस्याओं को, वो सारी मुसीबतों को आज दूर हटाकर आज आपको मेरे प्रभु वो चंगा भरा स्वस्थ करने चाह रहा है। मेरे प्रियजनों आज धन्यवाद के साथ प्रार्थना करोगे तो आज निश्चय ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगा, ओ निश्चय ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगा। क्या ही धन्य वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है, जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है वह सदा सर्वदा बना रहता है। अगर आप यहोवा का भय नहीं मानेंगे मेरे प्रियजनों, आप निश्चय ही आपके काम सफल नहीं होंगे, लेकिन आप जिंदा खुदा उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु के सम्मुख में सारी विनती प्रार्थना को रख कर निज बेटा के साथ, निज बेटी के साथ, अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, अधिकार के साथ मांगेंगे, अधिकार के साथ कहेंगे, तो मेरा खुदा आज आपसे कह रहा है कि बेटा आज
आ तुम डरना मत, घबराना मत, आज तुम जहाँ भी जाओगे, जिस भी परिस्थिति में रहोगे, उसी परिस्थिति में मेरा खुदा आज आपके साथ में है, मेरा प्रभु आज आपके साथ में है, वो सारे कष्टों से, वो सारे मुसीबतों से परमेश्वर दूर हटाएगा आपको। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप जितने बेटे बेटी थे उनकी प्रभु प्रार्थना को, दुआ को आपने सुना प्रभु और उत्तर दे दिया परमेश्वर, मैं उसके खोटी कोटी धन्यवाद करता हूँ और ये प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन।